आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जीडीएस की कट ऑफ अब कितनी रह रही है, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ डिटेल में समझाने वाली हूँ। कितने परसेंट वालों का सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो रहा है, जी हाँ, किस जोन में 50% वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे। आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसीज के लिए अप्लाई किए हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की कट ऑफ इस बार क्या रह रही है, कितने परसेंट का 100% सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, और कौन सा ऐसा जोन है जहां पे जो आपकी सिलेक्शन है वो 50% वालों की भी हो रही है, जी हाँ, हर चीज को डिटेल में यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें और उनको भी जीडीएस की कट ऑफ का पता चल पाए कि कौन से जोन से फॉर्म भरे जहां पे सिलेक्शन भी आपका कम परसेंटेज पे हो रहा है। क्योंकि कम परसेंटेज वालों के ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारा सिलेक्शन होगा, कितने परसेंट पे होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस के बारे में। जी हाँ, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस की, इन वैकेंसीज के लिए कितने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, फीमेल का मेल का दोनों का, और कौन सा ऐसा लोकेशन है, कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो कम परसेंटेज पे भी हो रहा है। ठीक है, हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। अगर आप पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल साइट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पोस्ट ऑफिस जीडीएस की इन वैकेंसीज के लिए जो 23 अलग अलग जोन की वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, तो हर जोन के, हर सिटी या हर स्टेट के कैंडिडेट की अगर हम बात करें, उनको यही था कि हम अपने लोकेशन में अप्लाई करें, वहां परसेंटेज आपकी, वहां मेरिट कम जाएगी या फिर अदर लोकेशन में आपकी जो मेरिट है वो कम जा रही है, ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ बात करें। क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें एग्जाम आपका कोई नहीं है, इंटरव्यू आपके कोई नहीं है, बिल्कुल सीधी आपकी सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस कि ये जो वैकेंसीज है, इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके यहाँ पे कौन सी लोकेशन के कट ऑफ पहले कितनी गई थी, अब कितने जा रही है, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पे आपका कम परसेंटेज पे 100% सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले 23 अलग अलग जोन है जहां के लिए ये वैकेंसीज है, जहां के लिए आप अप्लाई किए हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे पहली चीज जो है कि जो प्रीवियस टाइम की कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहली लिस्ट अभी डाउनलोड कर ली है, जो कि ये है आपकी पहली लोकेशन जो कि है आपकी आसाम के लिए, ठीक है। तो ये मैंने अभी पीडीएफ डाउनलोड किया, जो आपका पहले रिजल्ट आया था 2022 वाली है अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा बुलाया गया था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहां पे अनडिजर्व की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 100 थी, एससी की 94, ओबीसी के लिए 93.66, अनडिजर्व के लिए यहाँ पे 94 तक भी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करते जाएंगे, कट ऑफ आपके यहाँ कम होती जाएंगी, यहाँ पे देखिए 89.3 भी गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगेन यहाँ हम स्क्रोल डाउन करेंगे और भी यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी कम होते जाएंगे, जहाँ पे देखिए 69.4 कट ऑफ भी आपकी यहाँ पे गई है। ये हम बात कर रहे हैं आपकी जीडीएस की 2022 का जो रिजल्ट था उसके बारे में बात करें, 23 का भी आपको यहाँ दिखाऊंगी उसमें क्या क्या कट ऑफ यहाँ पे थी, आपको ये भी बताऊंगी कौन से लोकेशन में कट ऑफ इस बार भी कम जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
67.5 तक भी कट ऑफ यहाँ पे गई थी सेम लोकेशन के लिए, और यहाँ पे देखिए 66.8 तक भी गई थी। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देखिए एसटी कैटेगरी की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 73 पॉइंट समथिंग गई थी। ये अभी हम फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें अदर जो लोकेशन है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की, मैंने ये डाउनलोड करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे जो हाईएस्ट आपकी कट ऑफ गई थी वो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी आपकी जो अनडिजर्व की है वो आपकी गई थी 100, इवन एससी की यहाँ 100 गई थी, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो कम होती जाएंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोकेशन वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के आप देख सकते, ये हम बात कर रहे हैं जो प्रीवियस टाइम में आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है जो आपकी इस बार की जो वैकेंसीज है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो वो भी सारा कुछ डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वो असम की थी, ठीक है। असम में आपने देखा 2022 में भी कम गई थी, 2023 में भी कम गई थी। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हाइएस्ट भी आपको बताई है, लोएस्ट भी बताई है। लेकिन इस बार यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं जो आपके टोटल आई है 44,228 है टोटल, ठीक है। लेकिन जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे ज्यादा जो वैकेंसीज आई है वो आई है उत्तर प्रदेश लोकेशन की, जहाँ पे 4,588 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जो फॉर्म फिल किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन है डायरेक्टली ही है, ठीक है, कोई एग्जाम भी नहीं है। और यहाँ पे कैंडिडेट ने लोकल लैंग्वेज आपको पता है वहाँ हिंदी है, तो वहाँ के लिए ज्यादा फॉर्म फिल कर दिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे सब कुछ मैटर करता है, अगर वैकेंसीज यहाँ पे ज्यादा है तो कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे ज्यादा डेफिनेटली होगा। अब जैसे असम में हमेशा ही कट ऑफ कम गई है, मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है। तो वहाँ के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार भी आपकी कट ऑफ कम रहेगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करें आपकी हिमाचल की लोकेशन के लिए और हरियाणा के लिए भी कट ऑफ इनके कंपैरिजन में कम डेफिनेटली रह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका कंप्लीट कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली भी आएगा तब मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगी, और पोस्ट ऑफिस जीडीएस की पल पल की अपडेट के लिए सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो चैनल पर आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपने ज्यादा सदस्य जरूर करना है, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो पाए कि क्या कट ऑफ आपकी इन वैकेंसीज में इस बार रह रही है, ठीक है। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।